नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में साइबर अपराध के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि आए दिनों देखने को मिल रही है। साइबर अपराध, जिसे हम कलयुगी अपराध भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्राइम कंप्यूटर या फिर नेटवर्क के माध्यम से होते हैं। आज इंटरनेट के दौर में अपने राज्य बिहार में भी अधिकतर कामों को ऑनलाइन माध्यम से कराने का सिस्टम किया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता के साथ काम हो सके। ऐसे में साइबर क्राइम होने के मामले भी बढ़ जाते हैं और साइबर अपराधी किसी की ईमेल या फिर फेसबुक आईडी हैक करके या फिर किसी के सिस्टम में या वायरस डालकर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनीय या फिर सरकारी जानकारी को पता कर सकता है। कई बार ये साइबर अपराधी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर व्हाट्सएप पर फेक लिंक भेजकर रिचार्ज इत्यादि के नाम पर भी आम लोगों को ठग लेते हैं। ऐसे में लोगों के सामने काफी समस्या आ जाती है कि इन मामलों में केस दर्ज किस तरह से कराई जाए। पर बिहार पुलिस मुख्यालय इस मामले को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि ऐसे कई शिकायत लगातार बिहार के कई जिलों से आ रहे हैं। ऐसे में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के मुताबिक अब आम लोगों को साइबर अपराध से जुड़े मामले दर्ज कराने में कोई परेशानी ना आए, इसकी जिम्मेवारी पुलिस कप्तान की होगी। आम लोगों को एफआईआर करवाने के लिए इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बस पुलिस थाने में पहुंचकर थानेदार को लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी करवानी होगी, जहां बिना आनाकानी के थानेदार उनका मामला दर्ज कर लेंगे। आम लोगों की इस परेशानी को दूर कर इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला की पुलिस कप्तान के ऊपर होगी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि राज्य में आर्थिक आपराधिक इकाई इन मामलों पर नजर रखता है। साइबर अपराध और इसके अनुसंधान में सहयोग के लिए साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट यानी कि CCMU को बनाया गया है। यह एक यूनिट होती है जिसकी पूरे बिहार में 74 यूनिट फिलहाल काम कर रही है। हर जिले में एक CCMU यूनिट स्थापित है। इसके प्रभारी इंस्पेक्टर रैंक के अफसर होते हैं, जबकि इसमें पुलिस अफसरों के साथ साथ कंप्यूटर के अच्छे जानकारों को भी रखा जाता है। इन यूनिट का काम यह होता है कि ये जिला पुलिस को साइबर क्राइम के उद्भेदन में और अनुसंधान में टेक्निकल मदद पहुंचाते हैं। ऐसे में डीजीपी ने यह भी आदेश दिया है कि वे हर क्राइम मीटिंग में जिलेवार काम कर रहे CCMU की समीक्षा अलग से करेंगे, जिसके बाद इस समीक्षा के बाद इसकी रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई को भेजा जाएगा। बताते चले कि जिलों में काम कर रहे CCMU का महत्व ऐसे में ज्यादा हो गया है, इसलिए इसके अफसरों को जरूरत पड़ने पर दोबारा आर्थिक अपराध इकाई से ट्रेनिंग करवाए जाने की भी बात कही गई है। साथ ही समय समय पर इन यूनिटों में पुलिस अधिकारियों और अन्य कंप्यूटर कर्मियों की तैनाती भी नियत समय पर करने को पक्का करना है। आज के समय में अब साइबर अपराध पर कंट्रोल करना चुनौती से भरा कार्य हो गया है, क्योंकि इसके अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय अपने लोगों को इन अपराधियों से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइबर क्राइम का उद्भेदन करके ऐसे साइबर क्रिमिनलों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में इस नए आदेश के बाद साइबर क्रिमिनलों पर शिकंजा कसा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।